बात यूएस की करें तो बहुत सारे सवाल हमारे पास के कुछ लो फीस ऑप्शंस हमें बताई जाएं कि कम खर्चे में अच्छे कोर्स हों और हम यूएस का वीज़ा भी ले सकें, तो इसी पर आज वीडियो बना रहे हैं और आपको पूरी जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये खास जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो जैसे कि भी मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताती हूँ और स्टूडेंट्स भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि मैम का तकरीबन 27-28 सालों का एक्सपीरियंस है और इस पूरी जर्नी में मैम ने ढेरों वीज़ा लगवाए हैं, ढेरों ही प्रोफाइल्स पर काम किया है और ढेर सारा रिसर्च वर्क भी किया है ताकि हर तरह की प्रोफाइल के लिए कोई ना कोई अच्छी ऑप्शन ज़रूर हो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, उसकी सेटलमेंट के लिए। तो आज जैसे कि आप सभी के बहुत सारे सवाल आए हमारे पास यूएस की बात करें तो कम खर्चे में अच्छी ऑप्शंस हमें क्या मिल सकती है, तो मैम मैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी ये जो सवाल है स्टूडेंट्स के, इनमें कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आती हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको, हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था 100% स्कॉलरशिप तक मिल सकती है, मतलब फ्री भी हो जा सकता है स्टूडेंट अगर बच्चा अच्छा है, और एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है फिर भी फीस कम चाह रहा है, तो कॉलेजेस हैं जो कि आपका 10-12,000 डॉलर में या 8-12,000 डॉलर में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, मतलब आपकी ऑन एन एवरेज 7 लाख से लेके 10-11 लाख तक साल की फ़ीस में अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब आपका जो है फीस कम आ गया, लेकिन जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादातर बैचलर कोर्सेज देते हैं, कुछ कॉलेजेस आपको मास्टर कोर्सेज देंगे। अब मास्टर्स है तो आपको ऑब्वियसली 16-17,000-18,000 डॉलर तक इवन यूनिवर्सिटीज़ भी आपको दे देती हैं, तो वो 15-16 लाख रुपया साल का। अगर यूएस में अगर हम जाएं एंड 15-16 लाख की हम बात करें तो बहुत कम फीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है। अब उसमें भी चॉइस क्या है कि आपको फ़ीस वीज़ा के बाद देनी है, वीज़ा से पहले आपको एक पैसा भी नहीं देना है, खाली आपको सर्विस फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस या किसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में I-20 फ़ीस होती है, वो किसी की 40-50 डॉलर भी होती है, किसी की 100 डॉलर भी, तो एक छोटा सा अमाउंट दे के जस्ट आप जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल काफ़ी कम फीस वाले ऑप्शंस हैं, लेकिन वो हर प्रोफाइल के हिसाब से हमें सर्च करना पड़ता है। अब मान लीजिए आर्ट्स वाला प्रोफाइल है तो उसके लिए अलग ऑप्शन होएंगी, अगर मेडिकल है या, अब यूएस में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था नर्सिंग के लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि 7 बैंड ईच चाहिए, आप 6 बैंड में भी जा सकते हो, 6.5 में भी जा सकते हो। हाँ, लेकिन नर्सिंग में हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आपने आइल्स किया हो, विदाउट आइल्स MOI पे हम प्रेफर नहीं करते हैं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है। तो फीस तो एज़ लो एज इट इज़ आपकी 18,000 डॉलर से शुरू होके और एक एवरेज फ़ीस है जो 20,000 डॉलर तक जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। और अगर हम मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 25,000 डॉलर और अगर हमें स्कॉलरशिप मिल गई है 30-40% भी मिल गई है, तो वो भी एक अच्छी काफ़ी एवरेज फ़ीस हमारे पास आ जाती है, जो कि एक आपके बजट को कंफर्टेबल होती है, क्योंकि आपको जो फंड्स हैं वो चाहे 1 डे ओल्ड शो कर दीजिए तो आपके पॉकेट पे प्रेशर नहीं पड़ता है, फीस आपको वीज़ा के बाद देनी है, तो कंफर्टेबल आपको बनाता है कहीं ना कहीं यूएस बाकी कंट्रीज़ की तरह नहीं कि फ़ीस वीज़ा के पहले देनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। तो मैम ज़रूर एंड में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर अब अपडेट क्या है, स्टूडेंट्स ज़रूर जानना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास ये भी आ रहे हैं। देखो अपॉइंटमेंट का क्या है कि हर टाइम एक इनटेक के हिसाब से कुछ स्लॉट खुलते हैं, उस स्लॉट में इमीडिएट अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती हैं। अब जैन में जैसे कुछ स्लॉट्स खोलने हैं तो जो बच्चों की जैन लास्ट में क्लासेस हैं, क्योंकि यूएस का जो वीज़ा डिसीजन है वो कोई लंबा नहीं होता, सेम डे वीज़ा डिसीजन है। तो अब मान लीजिए बच्चे की क्लास 25 जनवरी को है और उसको 5-6 जैन की डेट मिली है, तो ठीक है 5th से 6 जैन को वो अपनी इंटरव्यू दे के देन उसके पास है 20 डेज़ के आसपास फ्लाई करने के लिए, तो वो अपनी प्रेपरेशन कर सकता है कोई इतना, क्योंकि अगर आप मान लीजिए डिसीजन में है 1 मंथ फिर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। यूएस का जो सबसे हर चीज़ इन्होंने बड़ी इजी रखी है, फीस वीज़ा के बाद है,
अब जो आपका डिसीज़न है वीज़ा डिसीज़न वो सेम डे है, वीज़ा ऑफिसर्स ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें अगर उनको लगता है कि बच्चा अच्छा है तो सेम डे वीज़ा इमीडिएट मिल जाता है। और खाली उसके लिए थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो कि ज़्यादातर बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है। जी बिल्कुल, तो इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा और आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी अच्छी ऑप्शंस, तो ज़रूर आप इन अच्छी ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं जो कि मैम ने अभी आपको बताई हैं। लेकिन आप इन ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट तो करवानी ही होगी, तभी पता चल सकेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके भी और जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन पर भी फोकस करते हुए हम आगे और वीडियोस लेकर आए। और मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स है, आपने बच्चों की फरमाइश पर स्टूडेंट्स के जो सवाल थे कि हमें ज़रूर कुछ लो बजट ऑप्शंस भी सजेस्ट की जाएं, तो आपने ज़रूर उन सभी को अच्छी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दी है। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच। थैंक यू।